हेलो फ्रेंड, मैं हूँ सविता। आप सबों को इंडियन ब्लॉगर सविता चैनल में स्वागत है। आज मैं इडली और डोसे के साथ खाने वाली साउथ इंडियन चटनी बना रही हूँ। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है और हेल्दी भी है, फटाफट से बन भी जाता है और घर के सामान से ही बनता है। तो चलते हैं, इसे बनाते हैं। मैं दिखा रही हूँ कैसे बना रही हूँ। चटनी के लिए ये सूखा नारियल ली हूँ, राई, चना दाल, मूंगफली, लहसुन की कुछ कलियाँ, कढ़ी पत्ते, लाल सूखी मिर्च है, अदरक का कुछ टुकड़ा। गैस ऑन करके तड़का पैन रख दी हूँ। इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल गर्म हो गया है, इसमें चना दाल डाल देंगे, साथ ही मूंगफली भी डाल देंगे। इसे चलाते हुए थोड़ी देर भुनेंगे। ये लहसुन भी डाल देंगे। अदरक को भी इसी में डाल देंगे ताकि इन सारे चीज़ों का कच्चापन निकल जाएगा। कुछ कड़ी पत्ते, एक लाल मिर्ची, हो गया है। अब इन सबको मिक्सी के जार में डाल देंगे, फिर यही तड़का पैन रख देंगे। इसमें और तेल डाल देंगे। तेल गर्म हो गया है, राई को डाल देंगे, साथ ही कड़ी पत्ते, लाल मिर्च। तड़का भी रेडी हो गया, गैस को बंद कर देंगे। ये नारियल डाल देंगे इसी के अंदर, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा पानी डाल करके महीन पेस्ट बना लेंगे। चटनी पीस करके रेडी कर ली हूँ। इसे एक बाउल में निकाल ले रही हूँ। देखिए कितना अच्छा से ये पीस गया है, बिल्कुल सॉफ्ट। थोड़ा सा और मिक्सी के जार में पानी डाल करके इसमें मिला लेंगे। इतना ही पतला चटनी रखेंगे। चटनी बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसमें तड़का लगा ले रही हूँ। तड़का तो पहले ही मैं रेडी कर ली थी, अब गरम कर ली हूँ। अब इसको डाल देंगे इस पर। इसे थोड़ा हम मिला लेंगे। चटनी रेडी हो गया है। अगर ये रेसिपी अच्छा लगे तो चैनल, जो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे।